जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 42। तस्मात् अज्ञान संभूतम् हृतस्थम् ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के संगे हमनी सब के ज्ञान योग की शिक्षा दे रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न कि अर्जुन अज्ञात काल से अज्ञानता के चलत शरीर और आत्मा के बारे में इतना संदेह हो गइल बा और उ संदेह आ भ्रमपूर्ण विचार रौरा दिल में कितना प्रबल हो गइल बा। ई अज्ञानता कौनो नई बात नहीं थे। ई अज्ञानता एगो अज्ञात समय से मौजूद बा। अब ई सब अज्ञानता के खत्म करे खातिर आ उखाड़ फेंके खातिर रउआ के एगो बड़न तलवार की जरूरत बा। ऊ तलवार का है? ऊ तलवार एगो साफ समझ है कि हम अपना देह से अलग बानी। परमात्मा हमार भीतर निवास करत बा और हम परमात्मा के साधन के रूप में सब काम करत रहल बानी। अज्ञानता के जड़ से उखाड़ फेंके खातिर रउरा हमेशा ई ज्ञान की तलवार के इस्तेमाल करे के चाहिए। ई तरह से श्री कृष्ण परमात्मा हमनी के ज्ञान के तलवार हासिल करे खातिर सब अज्ञान के काट के उखाड़ फेंके खातिर और बिना परिणाम के इच्छा कहल कर्म करे खातिर प्रोत्साहित कर रहे बाड़े। परमात्मा के शिक्षा के अभ्यास करत आई हम सब परमात्मा के शब्दन के दोहराई। तस्माद् अज्ञान संभूतम् हृतस्थम् ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम् संशयम् योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग आ दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सब की कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पाँचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब।
हमनी के आठवां वादा। हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करम जौन तू करेगा कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी, और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उई करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वं श्रीकृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। तस्मात् अज्ञानसंभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम। तस्मादज्ञानसंभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिलके नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होयला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।